मित्र को दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, यह प्राणी झूठ का भंडार है। इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बस चुटकी बजाइए, आपको पता चल जाएगा कि यह कितना मक्कार है। भाई और बहनों, पिछली बार इस मुल्क में जो चर्चा वाली आप टोपी वाली सरकार थी, उस सरकार ने हमारे मुल्क के युवकों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया। मुझे ये बताओ, मनुष्य को कितने हाथ होते हैं? दो। कितने? दो। तो इसलिए अगर मैं मुखिया बना तो सबके हाथों को मैं दो दो काम दूंगा। कितने काम दूंगा? दो। एक दिन को और एक रात को। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी मतलब मेरी गारंटी। दोस्तों, हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता किसी भगवान से कम नहीं है, लेकिन पिछली टोपी वाली और चर्चे वाली सरकार ने उन पर बहुत जुल्म है। मैं अगर मुखिया बनूंगा तो मैं उनकी आय 3 गुना कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी मतलब मेरी गारंटी है। दोस्तों, हमारे मुल्क में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है। उनमें से कई करोड़ लोग फूट काट कर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कई लोगों को उनके मकान टूटे हैं, फूटे हैं, उनके घर में बरसात टपकती है। अगर मैं मुखिया बनूंगा तो सबके सर पे छत होगा। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी मतलब मेरी गारंटी। बंदोबस्ती गारंटी कर, हम आने के अभी धरती पर जाएंगे, अपने हाथों से इसकी सारी सच्चाई देख लेंगे। लेकिन महाराज, अभी इस प्राणी की बहुत सारी गारंटियां बाकी है। खत्म हो चुके मेरी सहनशीलता, पता नहीं धरती के लोग इसे कैसे बर्दाश्त करते। की अवस्था देखकर मैं बहुत व्यथित हो गया हूं। जी महाराज, कुल मिलाकर 25 करोड़ लोग इसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। जंगलों में, झोपड़ियों में, फुटपाथ पर। यह बड़ी चिंता की बात है। बाबूजी, आपने ढेर सारा कर्ज लेके मुझे पढ़ाया लिखा, और मैंने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की नौकरी ढूंढने की, लेकिन नाकाम रहा। सोचा था नौकरी मिलने के बाद बहुत सारी सेवा करूंगा आपकी, लेकिन मेरा सिलेक्शन होने के पश्चात भी सरकार ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के बजाय जो थी वो भी खत्म कर दी। अब ये सब सहा नहीं जाता बाबूजी, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए बाबूजी। We'll be right back.
चमक किया। डबल ग्रेजुएट था मेरा बेटा, बहुत ही होशियार था। उसने 14-14 जगह इंटरव्यू दिया था, सब जगह सिलेक्ट हुआ था वो। लेकिन अगले जगह अगले साल बोल बोल के उसको हाजिरी लेटर भी नहीं मिला। आखिर उसने जहर का के हमको अनाथ कर दिया। ये मुखिया नहीं है, मौत का सौदागर है ये। ऐसे मुखिया, निकम्मे मुखिया और उसके दल को गांड पे लात मार के यहां से अकल देना चाहिए, तभी तभी ये मुल्क सुखी हो जाएगा। महाराज, इसी तरह से हर घंटे 2 से 3 युवक बेरोजगार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। चित्रगुप्त, यहाँ के लोगों को काम नहीं, नहीं नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, तो यहाँ के लोग जिएंगे कैसे? मेरा मन भी सुन्न हो गया महाराज। क्यों ना हम किसी किसान के घर चलते हैं, आखिर वो तो कुशल होगा। ठीक है महाराज, पर जाएंगे कैसे? कोई व्यवस्था करनी होगी महाराज। चलिए भैया। अरे भैया, अरे ओ भैया। हाँ भाई, किधर जाना है? हमें किसी किसान के पास ले चलो। किसान के पास? कौन से किसान के पास? वो नहीं पता, लेकिन किसी भी गांव के कोई खुशहाल किसान के पास ले चलो। खुशहाल किसान के पास? इस मुल्क में मिलना बहुत मुश्किल है। ओ क्यों? अरे भाई, फसल को दाम ही नहीं है। किसान किसी तरह से कर्ज लेके बीज पेरोता है तो सूखा पड़ जाता है, और फसल निकल भी आए तो छोटे जानवर उसे खा जाते हैं। दाम न मिलने के कारण उसके बीवी बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, उससे वो देखा नहीं जाता है और वो आत्महत्या की तरफ निकल जाता है। ये सब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। पिछले साल हमारे गांव में एक साल में 19 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो हमें आपके गांव ले चलो। हाँ भाई, बैठो फिर। चाची, 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 क्या हुआ? चाचा ने क्या किया? चाचा ने पैर को लटका लिया। चाची, जल्दी चलो। चाची, ये क्या हो गया? क्या कारण था? कर्जा और क्या? छह महीनों से बच्चों की फीस भरवा नहीं पा रहे थे हम। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। सिर्फ 20 क्विंटल अनाज हुआ था, उसका इतना कम भाव मिला, हमसे ब्याज पूरा कर नहीं पाए हम। इसके कारण उनके माँ का इलाज करवा नहीं पाए। इसे इतना बड़ा दुख था उनको। किसा नहीं करना नरक के बराबर है भैया।
लेकिन सरकार कुछ तो देती होगी। क्या देती सरकार, कुछ भी नहीं देती। सब उद्योगपति के मुंह में जाता है, किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। देखो इस बार डांगर पे मेरा फोटो लगाने का अच्छा लगा दिखा। ओए भैया, रामनवमी की वर्दनी दे दो। रामनवमी की जय श्री राम। धन्यवाद। भंगर वाले, भंगर वाले, चंदा निकाल, चंदा निकाल। धंधा नहीं हुआ है। अरे रामनवमी का चंदा दे दे। धंधा नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है। चेक करो इसको, पकड़ो इसको। नहीं कुछ नहीं। नाम क्या है तेरा? साले मुसलमान है इसीलिए चंदा नहीं दे रहा। नहीं भाई सच में नहीं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साला। साला बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम। पहला पहला पत्थर ले क्या साले का खेल ही खत्म कर देते आज। ला पत्थर, ला पत्थर भाई। बोल श्री राम बोल, बोल बोल श्री राम बोल, बोल बोल श्री राम। नहीं बोलता बोल, जय श्री राम साला। जय श्री राम नहीं बोलता फादर तो, जय श्री राम नहीं बोलता है, जय श्री राम नहीं बोलता है। बोल बोल जय श्री राम बोल। मर गया अबे, चलो जनता ने तुझे मुखिया बनाया, किस लिए बनाया बोल, किस लिए बनाया? विकास के लिए। किसके विकास के लिए? अपने खुद के विकास के लिए, संसद के विकास के लिए। क्या हुआ अपने विकास का? क्या हुआ? हुआ विकास? झूठ बोलता है। राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों के फसल कीमत नहीं, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। का विकास करने की जगह खुद का विकास कर रहा है। लोग किसे एक नंबर का अय्याश कहते हैं। अय्याश झूठे हैं, अंदर अंदर सनातन झूठे हैं। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धरातल के विकास को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज्ञा है महाराज। देखिए इसको पकड़ के लाए हम। क्या तुम इसे जानते हो? महाराज इसको इसको कौन नहीं जानता, यह हमारे मुल्क का मुखिया है। फलाहार पात्रों पे पुरुषों की जगह इसकी फोटो लगाई जाती है। अच्छा महाराज, यह हमारे मुल्क में सबसे बड़ा कलंक है। हमको कपड़े पहनने को नहीं, इनको भी कपड़े पहनने को नहीं, और ये साला दिन में चार चार बार कपड़े बदलता है। साधारण कपड़े नहीं महाराज, 50-50 लाख की। हाँ तो और इसने अरबों खरबों की एक नहीं दो दो जहाज खरीद लिए। और महाराज हम ट्रेन में ऐसे सफर करते हैं जैसे कि एक के ऊपर एक भेड़ बकरिया। महाराज इसका पेन देखो, पेन कहीं लाखों का है। और तो और इसका चश्मा देखो, सफेद सोने का है, बहुत महंगा होता है। और तो और महाराज ये खाना खाता है ना, वो विदेशों से आता है। और आज भी मेरे जैसे 60 करोड़ रुपए की कोट की रोटी के लिए तरसते हैं महाराज। महाराज ये दशा है इसके मुल्क की। चित्रगुप्त मन तो कहता है जुमला नंद के अभी के अभी 100 रुपए कर दो, मगर हमारी भी कुछ मर्यादा है। इसको 15 दिनों का भूखा प्यासा रखना चाहे।
चांदा को पता तो चले बेरोजगारों की मजबूरी क्या होती है। दया करो महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे सिर्फ 5 साल दे दो महाराज, सिर्फ 5 साल दे दो महाराज, मैं सब कुछ चंगा कर दूंगा। अरे युवकों को दो दो नहीं तीन तीन नौकरियां दूंगा, और तो और मैं किसानों को राजा बना दूंगा महाराज, राजा बना दूंगा, सिर्फ 5 साल और चंगा कर दूंगा सब कुछ। ये बोलोती जब भी मुंह खोलता है झूठे बोलता है, सिपाहियों ले जाओ उसे। धनवानों के इशारों पर वो हरदम डोलता है, धनवानों के इशारों पर वो हरदम डोलता है, वो जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है, वो जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है। झूठ की उम्र बड़ी छोटी पर हानि करे बहुत मोटी, झूठ की उम्र बड़ी छोटी हानि करे बहुत मोटी, लोग सुनाए खरी खोटी, झूठ की चमड़ी बहुत मोटी, मन की झूठ सुनाए ओ जरा न शर्माता है, जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है, जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है। पानी, अरे पानी, पानी दे रहे हैं। चुप है, क्यों चला रहा पानी पानी? अरे अभी अभी तो तुम्हारी सजा सुनी हुई है, अभी तो बहुत सी सजा भुगतनी है तुम्हें। अरे अभी चला कितना दूर दूर है। भुखमरी महंगाई, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई जानकर महाराज यमराज के होश उड़ गए, और महाराज यमराज ने जुगलानंद को 15 दिन तक भूखा प्यासा रखने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी जुगलानंद के नए नए कारनामे और नए नए जुमले सामने आते रहे।